starting from the SCC. SCC के full form? Face SCC का another name? SCC का एक दूसरा नाम भी बताया था. CCP एक तीसरा नाम भी था अठारह बजे का. CCP का ABC ABC चौथा नाम. ठीक है. So that FCC की battery efficiency लेके चलता हूँ. हाँ जी. तो FCC का structure के लेके चलूँ तो firstly I will do the unit cell जो FCC element. Atom simply हमारे पास कहाँ थे? Corner पे थे. इसके अलावा faces के center. Right? ये मैं लेके चला. Atom present at the corner. Okay? और ये faces के center होना था. ये चार face हो गए. इधर ये front वाला आ गया. ये back side के center में आ गया. तो this way I'm considering that the just the edge length that you will press A here, okay, and the eight triangle will be like that for the A, B, and C. Just go in this way, the AB curve that is the ABC to right hand. Okay, edge length. So, packing options will subset address to mention here. As you see the packing options, like it's an edge length of lit, edge length of unit cell. That is the उसको मैं consider कर रहा हूँ. That was the A, ठीक है. हाँ जी. As length and the radius of atom. ये जो atom place किया है, ये जो atom मैंने place किया, ठीक है. इसका जो atom कुछ ना कुछ radius रहा होगा, उसको मैं consider. So that is the edge length of the unit cell is A, ठीक है. और उसका जो ये atom रखा, उसको मैंने consider किया radius of atom R. We know that in the case of FCC कितने atom थे हमारे पास? दो. Number of atoms in FCC unit cell. हाँ जी. Atom कितना है? Simple अपना 8 into 1 by 4 थे ना आपके? 6 into 1 by 2 कितना? यहाँ से 1 आया था आयुष, यहाँ से 3, it becomes 4. Yes sir. You know that very well. सब बातें कर चुके हैं जी. अच्छा, मैं लेके चल रहा हूँ जो हमने उसमें लेडीज ने डिस्कस करने का वही चीज है. मैं लेके चल रहा हूँ राइट ट्रायंगल ए बी सी. इन राइट ट्रायंगल दैट गोज द ए बी सी. हाँ जी. ए सी किसके निकाल चुके? ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. हाँ जी. तो यहाँ से that was the a square plus a square ac square. सीधा लिख दो ac is equal to root 2. ठीक है. जो मैंने कंसीडर किया, जो मैंने कंसीडर किया अकॉर्डिंग a और r, अकॉर्डिंग टू द कंसीडरेशन, अकॉर्डिंग टू कंसीडरेशन. हां जी. कंसीडर के अकॉर्डिंग ध्यान देना. अगेन fcc के अंदर क्या था? जो आपका रेडियस वहां से आ रहा था, बीच में पूरा का पूरा एटम आया जिसमें आपका ये वो आपका 2R हो गया, पूरा डायमीटर हो गया, लास्ट में एंड पे फिर R आ गया. सो वी कैन से दैट अगर मैं जो मैंने कंसीडर किया कि एज लेंथ ए है, रेडियस ऑफ R, रेडियस R है, उसके अकॉर्डिंग अगर ए से लेके चलता हूं तो कम मेरे पास R 2R प्लस R इट बिकम्स 4R. दोबारा बताऊं ये? ठीक है, दोबारा बताना. हां जी. मैंने कहा था स्पेशली भी आपका एफसीसी में क्या होता है, आपका रेडियस R हो गया, वो बीच में पूरा का पूरा पैकिंग कैसे थी एफसीसी की कि कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं. हाँ जी. मैंने कहा था इसे आधा एटम यहाँ से आधा आधा का एटम को लेकर चलो तो पूरा पूरा स्फीयर है वो, आधा हेमिस्फीयर इधर, हेमिस्फीयर आधा स्फीयर उधर. तो वी कैन से दैट कि जो मैं पूरा स्फीयर लेके चल रहा हूँ आधा ऐसे ही ऊपर से मैं आधा लेके चला तो वो स्फीयर कैसे ऐसे होगा ना, और कॉर्नर से उसको छोटे छोटे आर रेडियस मिल रहे होंगे तो कॉर्नर बैठा बैठा होगा. अब लेके चलता हूँ पूरा ऐसे ही, वहाँ से कॉर्नर से आर मिला, पूरा ही हेमिस्फीयर जिसको मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ. ठीक है ना. पूरा का स्पीड स्पीड तो ये पूरा ही पूरा डायमीटर हो गया, पूरा डायमीटर हो गया. अच्छा, उधर से कोने से फिर आर आ गया. तो जो मैंने कर मैथ के अकॉर्डिंग ए सी जो आपका आया वो बचपन से करते आया, स्केयर का जो डायमीटर होता है वो रूट टू होता है, उसमें तो वो दो राय नहीं है ना. अब जो मैंने कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग ए सी कितना आ रहा है? आर टू आर आर. दोबारा बताओ मैं. ठीक है. ठीक है सर. दोनों
इज इक्वल टू 4r, ठीक है जी। यहाँ से a की वैल्यू निकालो अपनी, a दैट इज इक्वल टू 4r बाय रूट टू, रैशनलाइज करके सीधा लिख दो रिजल्ट या रैशनलाइज करके बताऊं, 2√2 है, लिख दो सीधा 2√2 है सर, कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज, ठीक है। आई एम पुटिंग दैट दैट इज द 2√2r, दैट इज राइट, क्लियर, यस, ठीक है जी। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने अपनी एच लेंथ जो है इसकी a की वैल्यू निकाला, थोड़ा सा मैथ के लिए, ठीक है। अच्छा, इतना बताने के बाद उसने कहा वी नो दैट कि एक क्यूब शेप में है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का, a क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू द a क्यूब, यस सर, एक क्यूब के 2√2 r था क्यूब, एंड देन सपोज दैट 16 √2 r क्यूब की लिख रहा हूं, यस 2√2 r, यस सर, multiply by 3 times and then we can get that 16 root 2 r cube, ठीक है जी, yes, not chemistry, math चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, हाँ जी, 16 root 2 r cube यहाँ पर आ गया। अब कितना, we know that कि जो मैंने इधर ये 4 atoms place किए थे, ठीक है, 10th class, volume of sphere का formula, अनिश भैया, volume of sphere, हाँ जी, volume, बिल्कुल जी, volume of sphere जो रहता है, वो theorem मेरे पास रहता है 4/3 pi r cube, fine, ठीक है ना, और इसमें कितने एटम है, कितने स्फीयर है, वी हैव 4, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर 4/16 / 3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर वो हुआ मेरे पास 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द टोटल वॉल्यूम, एक आपका आ गया, एक वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर आ गया। परसेंटेज, हम अपने जो मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं अपना, जैसे नंबर को निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, 200, सेम सिनेरियो है, कहता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी थी मुझे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर volume of force here upon total volume 200 of unit cell into 100, ठीक है, हाँ जी, या क्यूब रिलेशन में वॉल्यूम ऑफ फोर्स कितना था जी मेरे पास, 16/3 pi r cube, हाँ जी, टोटल वॉल्यूम कितना था, 16√2 r cube इनटू 100, हाँ जी, वो आप सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो फिक्स ही आने हमेशा, इतनी भी 74%, ये वो स्पेस था जो एटम पैक्ड हुए उन्होंने ऑक्यूपाई किया, तो दैट वाज द ऑक्यूपाइड स्पेस, पैकिंग एफिशिएंसी बोल दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये है कि ऑक्यूपाइड स्पेस बिकॉज़ ऑफ दैट, ओके, बट अनऑक्यूपाइड कितना हुआ मेरे पास, 26, हां जी, पूछा होगा कि जस्ट फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी एंड फाइंड मेंशन करता अनऑक्यूपाइड स्पेस आल्सो, तो वो हाफ मार्क की वेटेज रहती है उसकी, इफ वी कम टू गेट दैट 26% जो है वो खाली स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस है, दैट इज, अभी ना भैया बराबर देखना, ये जो एफसीसी की पैकिंग जो कल बता रहा था अपना कि मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया एफसीसी में, कॉर्नर पे एटम के अलावा फेसेस के सेंटर में आएगा, इसको मैंने दिया कंसीडर कर दिया कि एज लेंथ यूनिट सेल की ए है, ये जो मैंने एटम प्लेस किया इसका रेडियस आर है इनिशियल स्टार्टिंग में, मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना, और उसके बाद वी नो दैट कि नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, कॉर्नर से 8 × 1/8 फेस 6 आधा था एटम, ठीक है, 4 दे दिया, उसके बाद मैंने कहा राइट एंगल ए बी सी डी, पाइथागोरस थ्योरम से मैं अब क्या निकाल रहा हूँ जी, ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पहले भी किया रूट टू आया था डायगनल स्केल में, जो डायगनल निकालते हैं मेरा रूट 2a, अच्छा जो मैंने कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग जो ए सी, क्योंकि मैंने इस रेडियस को आर माना है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा ए सी कितना है आर, तो पूरा पूरा डायमीटर हो गया सर्कल हो गया 2r, कोई लास्ट में फिर आ गया, तो कितना मोर आर आ गया, ए बी ए सी की वैल्यू, ए बी ए सी की वैल्यू इक्वेट कर दो दोनों को, इक्वेट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, एज लेंथ की वैल्यू निकाल दें, और फिर मैंने कहा कि अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नो दैट आउट ऑफ द ए क्यूब, हां जी, वही किया मैंने, ए क्यूब किया, ए क्यूब ए की वैल्यू निकाल दी ना पोर्ट की, ये वैल्यू आ गई एक रिजल्ट, फिर मैंने कहा कि इसमें कितने एटम्स थे, कितने स्फीयर थे, 4 थे, एक 10th क्लास में पढ़ते थे हम अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 10th क्लास 4/3 pi r³, 4 स्फीयर है यहां पर 4 हैं, दैट्स 4 × 4/3 pi r³, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर अपॉन
टोटल वॉल्यूम इन 200, वॉल्यूम ऑफ फोर्स स्फीयर कितना था, ये था टोटल वॉल्यूम, अभी कितना निकाला था, ये निकाला था इन 200 करके, लेकिन फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी जिसको हम ऑक्यूपाइड स्पेस बोलते हैं नीचे, एंड देन अनऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है, दैट वे वी कैन फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी. सो इन द केस ऑफ बीसीसी सेम से आएगा, देखिए क्वाड द फुल डेरिवेशन मतलब वो सेम चलने वाली है. दैट इज अ टिप फॉर द बीसीसी, मींस वी कैन डू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. और उसमें क्या देखा था, इंटरनल हमने सिंपल कि एटम कॉर्नर पे रखे थे बॉडी के सेंटर में, लेकिन हम तो उसके लिए अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं अपना, बिल्कुल डायग्राम दैट विल बी सेम सिनेरियो एज देन. तो मैंने ए लिया रेडियस ऑफ एटम को ये लेके चला, अब यहाँ पर चेंज किया नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में कितने थे जी मार्कस क्वेश्चन, टू थे, टू कैसे आए थे आपके एट इंटू वन बाय एट, और साथ में पूरा एक एटम था, तो वन प्लस वन जी ये कितना आ गया था जी, टू आ गया, राइट, दैट नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी. बिल्कुल वहाँ पर मैंने डायरेक्टली ए बी सी दी थी, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ जी ए बी सी, right, so that is the E, this one, this one, एक ये वाला था, ये मेरे पास बेस हुआ, ये मेरे पास जो perpendicular हुआ, perpendicular भी है calculated, that was the AC, वो था root 2A, root 2A, ठीक है, हाँ जी, तो वो root 2A, ये मेरे पास A, ये AD को निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं mention कर रहा हूँ निश, that is right triangle, that was the ADC, ADC में, again, that was the AD square is equal to the AC square plus CD square, ठीक है जी, और यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है आपकी, जो बॉडी डायग्राम आया था कितना रूट थ्री आया था जी आपका मैथ सिंपल. अच्छा अगर मैं कंसिडरेशन करता हूँ एडी की वैल्यू जो आएगी अगेन अनिश दैट इज द आर विच में पूरा का पूरा स्फीयर है जी, वो फिर फिर टू आर, फिर नीचे से कोने से फिर आर, तो अगेन एडी मुझे कितना मिलने वाला है, फोर आर मिलने वाला है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया एडी को अगेन दैट इज द फोर आर, अगेन वन एंड टू इक्वल टूगेदर, यहाँ पर रूट थ्री ए इज इक्वल टू द फोर आर, ए की वैल्यू कितनी आ गई फोर आर बाय रूट थ्री, रूट थ्री, नो नीड टू दैट रैशनलाइज, सिंपल ये मैंने चल रहा है. हाँ जी अगेन एक एक स्टेप सेम चल रहा है, जस्ट डाटा रिलेटेड फेवर स्टार्ट चेंजिंग राइट नाउ. तो अगर एक समझ में आए तो दूसरे में कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, यहाँ पर जी ए क्यूब का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, दैट इज द ए गोज एट 4 आर बाय रूट 3, हाँ जी, इसका क्यूब करके कितना आया मेरे पास 64 अपॉन 3 रूट 3 आर क्यूब, राइट, यस सर, 64 आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3, 3 रूट 3, ठीक है जी. एक रिजल्ट मेरे पास आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया जैसे उसमें निकाला था अभी ना, बिल्कुल सेम एक ही स्टेप सेम है अगेन, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, वहां पर 4 स्फीयर थे, यहां पर 2 स्फीयर्स हैं, दैट्स व्हाई अब मल्टीप्लाई जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं जी, ठीक है, हाँ जी, ये कितना आ गया दैट वाज दैट 8 बाय 3 पाई आर क्यूब, हाँ जी, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ जहां आपने 4 स्फीयर लिखा था वहां पर मैं क्या लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, हाँ जी, यहां पर आपकी जो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर कितना है दैट वाज 8 बाय 3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम कितना आया था जी 64 आर क्यूब 3 रूट 3, हाँ जी 100, कैलकुलेट करके आंसर वाज दैट 68% ऑक्यूपाइड एंड 32% अनऑक्यूपाइड, दैट वाज द डेरिवेशन, दैट वाज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द बीसीसी. ड्रॉ द डायग्राम अभिला भैया, बीसीसी के लिए डायग्राम ये है, दैट वाज द एफसीसी, तो आई एम रीडिंग राइट नाउ, ठीक है, ये नहीं है अभी ना, ठीक है, उसके लिए बीसीसी के लिए डायग्राम ये होगा, ये डेरिवेशन लिखना होगा आपको. BCC के लिए हमने वही ट्रायंगल क्यों लिया वैसे दोनों के लिए लग रहा है जो रेडियस एक एटम था 18 इधर से आया था 18 इधर से आया था,
सो वी कैन से दैट जो ए था मेरे पास एजिलन था इट बिकम दैट इज मोर देन 2 आर ठीक है तो यहां से सिंपल अपना इस कुछ नो नीड फॉर द सेंट्रल क्यूबिंग सीधा अपना जिसने से मेंशन किया कितना हो गया 2r का क्यूब हाँ जी ये आपका वॉल्यूम वंस का कितना है अनिश 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम कितना था अभी ना मेरे पास दैट वाज द 8r क्यूब कैलकुलेट करने पर जी परसेंटेज आई 52.4% और अनऑक्युपाइड कितना हो गया 48.6 बॉडी सेंटर्ड हो गया ये कौन सा सिंपल क्यूब है सिंपल क्यूब ना हां तीन ही है ना मास्टर उसमें क्या स्टार्टिंग में ए बी थ्री वो ए बी सी बन रहा था कुछ ऐसा फार्मूला अब जो फार्मूला क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बॉय टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मैंने कहा था कि मोस्टली वी हैव आयनिक सॉलिड मोस्टली हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं और आयनिक सॉलिड के अंदर वी हैव कैटायन है ठीक है आयनिक सॉलिड आयन से बनता है आयन के अंदर कैटायन एनायन है और कल भी बताया था आयुष कटायन एनायन में किसका साइज स्मॉल किसका साइज कटायन में छोटा था कटायन हमेशा स्मॉल होता है एनायन हमेशा बड़ा होता है वी हैव डन दैट द अरेंजमेंट सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड तो स्पेशली एनायन का साइज अनिश लार्ज है तो उसको ड्यूटी दी जाती है भाई तुमने क्या करना है तुमने अरेंजमेंट फॉलो करना है अब अरेंजमेंट वी हैव अ 3 अरेंजमेंट सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड जब वो जाके बैठ गया तो हम पैक की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो स्पेस उसमें 26% बचा एक में 32% बचा तो जो खाली अनऑक्यूपाइड स्पेस था वहाँ जाएगा कौन वो वहाँ ड्यूटी दे जाएगी कटाइन वो उसको उसकी उसकी क्या ड्यूटी होगी उसकी ड्यूटी होगी तुमने जाए करना तुमने वॉइड फिल करने हैं अब वॉइड वुड वी हैव अ टू टाइप ऑफ वॉइड्स टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल तो उसने कहा कि हमारे पास जो फार्मूला बनता है मतलब ए बी टू ए बी एंड ए टू बी उसके अकॉर्डिंग हमने नेम असाइन कर दिया फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स या सिंपल ए बी जैसे पहला उसने कहा कि इन द केस ऑफ अब जब मैं फिलिंग करता हूँ जी मैं फिलिंग किसकी कर रहा हूँ फिलिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फिलिंग होती है तो जो फार्मूला बनता है फार्मूला बिकम्स दैट वाज द ए बी वो कैसे कहता है अब जैसे मैंने कहा कि ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव है मैंने कहा कि अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है उसको ड्यूटी दी होती है तुमने जाकर अरेंजमेंट में बैठना तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एन एस एल का जो वी आर टेकिंग द स्टार्ट सोल्ड राइट नाउ एन एस एल एन एस एल में वो कहता है कि इसलिए हमारे पास कहना है एन ए पॉजिटिव या सी ए नेगेटिव सी ए नेगेटिव को कहा जाता है भाई तुम जाओ और एफ सी सी में जाकर बैठ जाओ सी ए नेगेटिव की ड्यूटी क्या हुई कि सी ए नेगेटिव बैठ जाएगा और एफ सी सी अरेंजमेंट सी सी पी एफ सी सी जो बोला हमने वो जाकर अरेंजमेंट में बैठ गया ठीक है ना सी ए नेगेटिव अरेंजमेंट में बैठ गया और सोडियम को बोला यार तुम जाओ जितने भी क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो जाके फिल करो
अब इतनी बात हमने जो कल की थी हमने स्पेशली कि वन एटम के लिए टोटल वर्ड्स कितने रहते हैं दो, वन एटम के लिए टोटल वर्ड एक तो सोडियम की ड्यूटी थी रहो कि उसने जाकर क्या करना है क्लोरीन के ऑक्टेनल वर्ड फिल करना है तो क्लोरीन क्लोरीन के लिए एक ही ऑक्टेनल वर्ड होगा ठीक है अब इसमें Na2O के अंदर ऑक्सीजन को कहा जाता है कि तुम जाओ अरेंजमेंट को फॉलो करो वो जाके बैठ गया हाँ जी ऑक्सीजन जाकर अरेंजमेंट बैठ जाता है सोडियम को भेजा जाता है सोडियम भाई तुम जाओ उसके जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है वो जाके फिल करो अब एक ऑक्सीजन के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड अंकित कितने आने थे दो आने थे एक एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने दो होते हैं दो तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम में आना था दो में आना था एंड देन फार्मूला क्या बना हमारे पास Na2O मैक्सिमम टाइम तो मैंने बताया कि एनायन हमेशा बड़ा कैटायन हमेशा छोटा बट एक्सेप्शन केसेस आर ऑलवेज देयर स्पेशली इन एक्सेप्शन हां अब वो कहता है कि हां बिल्कुल कैटायन कैटायन वाली केमिस्ट्री है हां यस बिल्कुल उसने कहा कि सुन सुन मैक्सिमम मैंने बताया कि एनायन का साइज बड़ा है एक को ड्यूटी दी जाती है कि तुमने जाके अरेंजमेंट में बैठना जब वो पूरे पैक हो जाते हैं तो उससे जो भी और एक को ड्यूटी दे दी तुमने जाके वार्ड फिल करनी है अब वो ऑक्सीजन जाकर अरेंजमेंट में बैठ गया सोडियम को भेजा तू जा और उसके जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड फिल कर एक ऑक्सीजन के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आने थे दो आने थे तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम आए दो आए एंड देन फार्मूला बिकम्स Na2O अब वो कहता है कई बार मतलब एक्सेप्शन का वही केस लेके चल रहा हूं कि मैक्सिमम तो हमेशा आपका एनायन अरेंजमेंट में बैठता है कैटायन वॉइड फिल करता है बिकॉज़ द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एनायन ठीक है ना बट वो कहता है कई बार ऐसा देखा गया कटाइन हमारे पास बड़ा था और एनायन हमारे पास छोटा था तो फिर कहानी रिवर्स हो जाएगी इन द सेंस कि ए को कहा गया तू जाके अरेंजमेंट में बैठ और बी को कहा गया भैया तूने क्या करने हैं तूने उसके टेट्राहेड्रल वॉइड फिल करने हैं तो देन फार्मूला बिकम्स क्या बनेगा हमारे पास Na2O एग्जांपल ले रहा हूं कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूं मैं Cl2 कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूं कैल्शियम के टू पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अ कटाइन अब अभी मैंने कहा था अनिष्ट की कटाइन की ड्यूटी होती है कि उसने वॉइड फिल करना है बट इन द केस ऑफ CF2 कैल्शियम को कहा जाता है कि तू जाके क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है कैल्शियम का उसको कहा जाता है कि तूने जाके क्या करना है भाई तूने अरेंजमेंट जाके फिल करना चला गया कैल्शियम जाके अरेंजमेंट में बैठा हुआ है ठीक है क्लोरीन को भेजा गया भाई तू जा और उसके जाकर टेट्राहेड्रल वॉइड फिल कर एक कैल्शियम के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आने थे दो आने थे तो कितने क्लोरीन को आना पड़ा दो को आना पड़ा एंड दैट्स व्हाई द फार्मूला बिकम्स CF2 सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि फिल करने के लिए का टाइम कौन सा है लाइक हां फार्मूले से क्लियर हो रहा है CF2 Na2 दो नंबर जो बढ़ रहा है हमारे पास और अगर सिंपल सा दो आता सिंपल ये आ रहा है उसके को कुछ ना कुछ तो पिन देगा ठीक है ना एक को अरेंजमेंट बिठाएगा एक को और मैक्सिमम टाइम अरेंजमेंट में मैंने बताया अनायन होता कि टाइम हमेशा बढ़ देता ठीक है ना इससे क्लियर हो रहा है कि A2B तो दो A आए हैं एक B है तो सिंपली सी बात है फार्मूले से क्लियर है कि B अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा होगा A उसके टोटल वर्ड को कर रहा होगा अब यहां पर लिखा मैंने AB2 तो A अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा होगा B उसके वॉइड फिल कर रहा होगा तो उसके को उसने उसका नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड द एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिस AB2 दैट इज द फ्लोराइड right and that is name known as lipid powder fluoride name jo sign hai jahan se ji formula word from jo bata raha hu formula based us formula banega hamare paas wohi ko statement banegi ki ek atom element a baitha hua hai b ko bheja gaya simple apna ki void void karega
सी को भेजा गया वो ऑक्टेडोर फिट करेगा या फिर अल्टरनेट ऑक्टेडोर फिट करेगा या 1/8 फिट करेगा 1/4 करेगा उसके अकॉर्डिंग वी विल क्रिएट द फार्मूला ठीक है। तो आजकल इतना सिंपल रखना कि इतना मैं रखना कि वन आइटम जो बता